नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके साथ किचन में काम आने वाले 5 किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूं, जो आपके किचन में आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम दूध गर्म करते हैं, भगोने में दूध चिपक जाता है, इसलिए दूध गर्म करते समय भगोने के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर दूध को छान लीजिए। और फिर आप दूध गर्म करने रखें, दूध तले पे चिपकेगा नहीं। आलू को जल्दी उबालने के लिए आलू के अंदर आधा गिलास पानी डालें और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। इससे फ्रेंड्स 3 फायदे होंगे, एक तो आलू हमारे जल्दी उबल जाएंगे और एक नमक डालने से आलू का छिलका भी जल्दी उतर जाएगा और आलू का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जब हम आलू खाएं या सब्जी बनाएं तो ये फीके फीके नहीं लगेंगे, इनका टेस्ट दुगना हो जाएगा। अब बस हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 सीटी आने तक आलूओं को उबाल लेंगे जाएंगे। दूध के अंदर मोटी मिलाई लाने के लिए दूध को इस तरह से गर्म करें, दूध को आप गर्म करना रख दें। जब दूध के अच्छा सा एक उबाल आ जाए, देखिए इस तरह से ऊपर तक दूध उबलना चाहिए हमारा, बस एक ही उबाल देना है हमें और गैस को बंद कर देना है। जब दूध थोड़ा नीचे चला जाए उसके बाद हमें इसके ऊपर एक छन्नी ढक देनी है, फिर इसे हमें ठंडा कर फ्रीज में रख देना है और फिर आप देखिए दूध के अंदर बहुत ही मोटी मिलाई आपकी उतर के तैयार होगी। अक्सर हम दलिया ज़्यादा ले आते हैं तो दलिए में कीड़े लग जाते हैं और दलिया जो है वो ख़राब हो जाता है। आपका दलिया ख़राब ना हो, जितना भी आप दलिया लाए हैं उसको थोड़ा सा भून लें, हल्का सा घी डाल के भी भून सकते हैं, बिना घी के भी आप उसे भून सकते हैं। फिर आप उसे भूनकर एक डब्बे में भर कर रख दें, इससे कीड़े भी नहीं लगेंगे और आपको दलिया बनाने में बहुत ही आसानी होगी। बस आप कुकर में दलिया डालें, पानी डालें और सीटी लगाएं और आपका बहुत ही टेस्टी जो दलिया है वो तैयार हो जाएगा और बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगेगा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर अपनाएं अपने किचन में। जब भी हम कोई नया बर्तन लेके आते हैं उसके स्टिकर जो हैं वो उतरते नहीं है, आधे उतरते हैं आधे उतरते नहीं हैं, कितना भी हम पानी डालें उससे भी। तो स्टिकर उतारने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जिस पर भी हम नया बर्तन लेके आए उसको गैस पर रखें और गैस को ऑन कर दें और गैस को लो कर दें और थोड़ा सा इसे गर्म होने दे। इससे क्या होगा, इसका गोंद जो है वो पिघल जाएगा। और हल्का सा गर्म कर ले, इसको ज़्यादा गर्म ना करें, हल्का सा गर्म करके हम टच कर सकें। और इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से स्टिकर उतर रहा है। फ्रेंड्स एक बार आप अपने किचन में ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं, जब भी आप कोई नया बर्तन लेकर आए तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस तरह से स्टिकर उतारने में। और बहुत कम मेहनत है और स्क्रैच भी नहीं होगा, कभी कभी हम स्क्रैच भी कर देते हैं नए बर्तन पर जब स्टिकर नहीं उतरता है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, एक बार आप ये ट्रिक अपने किचन में ज़रूर अपनाएं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हों तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे। फिर मिलेंगे नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।